भाजपा कहती है कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी तक स्मृति ईरानी या कोई मंत्री का बयान नहीं आया है जी भाजपा के। देखिए दुख की बात यही है कि दिल्ली के हार्ट में जंतर मंतर में हमारे प्लेयर्स बैठी हैं महिला प्लेयर्स, और खिलाड़ियों को भी अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज 72 घंटे हो रहे हैं। जो इस देश में अगर गोल्ड मेडलिस्ट जो देश की शान आन बान होते हैं और जो विश्व में आपका नाम ऊंचे करते हैं, आज जब भारत को आप गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे इन चेहरों को देखने को मिलता है, और इनका नाम सर्च करते हैं तो भारत देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर महिलाओं को और खिलाड़ियों को इस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा तो इससे बड़ी निराशजनक बात नहीं हो सकती है, खासतौर तब जब भाजपा की जितनी भी महिला मंत्री हैं जो अमूमन उन सरकारों में हमेशा बाहर निकल कर आती है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं होती है, जब जहाँ पे गैर बीजेपी सरकार होती है, जब वहाँ पर ऐसा कोई महिला शोषण का मुद्दा सामने आता है तो स्मृति ईरानी भी बाहर निकलती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष करती हैं, जवाब मांगती हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है महिला शोषण का जिसमें केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होती है, वहाँ पर स्मृति ईरानी नहीं दिखती हैं और इनकी कोई भी महिला मंत्री आपको नहीं दिखती। सरकार की चुप्पी जो है मैं मानती हूँ कि वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसी न किसी तरीके से, जब लखीमपुर में टेनी साहब को बचाने का प्रयास कर रही थी उनके बेटे को, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अब इनको भी बचाने का प्रयास कर रही हो, यही सरकार की चुप्पी दर्शाती है। लेकिन वो तो कह रहे फिर कि अगर इसमें अगर गलत साबित होते हैं तो हमको फांसी भी मंजूर है, फांसी भी दे दो, हम इसमें गलत नहीं है, साजिश हो रहा है। देखिए आप खुद बताइए कि जिसपे आरोप है वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, क्या वो पद पे रहकर आप डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। वो पद पे भी रहेंगे, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं होगा, कोई FIR जो है उसके माध्यम से कोई आपने महिला शोषण के कोई केस भी दर्ज नहीं किए पुलिस ने अभी तक। तो ये बात समझ से बाहर है कि आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही विक्टिम हैं, सब कुछ आप ही हैं, तो केस किसके फेवर में जाएगा हम सब समझते हैं। सबसे पहली बात, इमीडिएटली उनको फेडरेशन के प्रेजिडेंटशिप से हटा देना चाहिए, उन पे बकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे केस दर्ज होने चाहिए, और पेंडिंग इंक्वायरी करिए ना आप, सस्पेंशन के बाद पेंडिंग इंक्वायरी करिए। आप पहले इंक्वायरी करेंगे मतलब आपको अपने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर बैठे हैं जंतर मंतर पे हमारे जो देश की शान है, इन महिला खिलाड़ियों पे आपको भरोसा नहीं है, क्या सरकार ये कहना चाहती है? अगर सरकार के ये मायने हैं तो मैं मानती हूँ कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे भी सरकार महिलाओं के मुद्दे को बहुत ही उदासीनता से देखती है, लेकिन अगर इस मुद्दे को भी इसी तरीके से देखा तो सरकार के लिए एक सेल्फ गोल होगा और सरकार कभी इसका जवाब दे ही नहीं पाएगी। लेकिन मैम ये है कि जैसे कि भाजपा के जो नेता हैं बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन आज जो है एक बेटी जो है सड़क पर है तो उनके लिए क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए यही तो स्मृति ईरानी हो या अलग अन्य नेता हो, देखिए यही दुर्दशा इस देश की अब हो गई है कि महिलाओं के मुद्दों पे बड़ा सिलेक्टिव बोला जाता है। देखिए मैं यहाँ पर दिल्ली महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक महिला के तौर पे आई हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं और जब एक महिला उनसे काम कराने जाती है या किसी मुद्दे पे संवाद करने जाती है तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि यौन शोषण करके उन महिलाओं को दबाया जाए, और ये खिलाड़ी ये वो लोग हैं जो किसी को भी दबोच कर धर कर घेर देना और इससे वो अपनी जीत हासिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होता है खिलाड़ियों का, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ वाली खिलाड़ियों को भी रोना पड़े, उनके भी आंसू आ जाए, तो सोचिए कि उनकी किस तरीके से उनकी आत्मा को छल्ली किया होगा और क्या हुआ होगा उन कमरों के अंदर कि आज इन बेटियों को भी रोना पड़ रहा है, आंसू ऐसे नहीं छलकते। सांसद खेल चल रहे हैं, दो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था और आज यहाँ पर ये खिलाड़ी इस तरीके से बैठे हैं। देखिए खुद खिलाड़ियों ने कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो आश्वासन से पूरी तरह से उनको सरकार का आश्वासन सही नहीं लग रहा है और वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके जवाब से। और क्या मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से? समय ही तो मांग रहे हैं, जब मेडल जीत कर आते हैं तब भी तो प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी जाकर फटाफट फोटो ऑफ करने के लिए बुला लेते हैं सभी खिलाड़ियों को, तब तो एक सेकंड नहीं लगता है, तब तो हवाई जहाज भी भेज देंगे, सारे आप संसाधन इस्तेमाल कर लेंगे जब आपको अपनी फोटो खिंचवानी है इन्हीं खिलाड़ियों के साथ।
पर आज यही खिलाड़ी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितना दूर रहते हैं जंतर मंतर से, कितना दूर है 7 बजे, मतलब कुछ भी नहीं है। आप बोलिए, बच्चियां आएंगी, अपनी बात कहेंगी, आप सुनिए तो सही। आपने ये मान लिया कि ये गलत हो सकती है, पर आपने ये नहीं माना कि वो गलत है। आपने खुद ही सरकार की चुप्पी इस बात को दर्शा रही है कि सरकार ने अपने माइंड में तय कर लिया है कि फेडरेशन का प्रेसिडेंट गलत नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि यानी खिलाड़ी गलत है। लेकिन मैम कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आवाज क्यों नहीं उठा रहे पहले से, अब आवाज उठाने लगा है, लोग साजिश कर रहे हैं। नहीं देखिए क्या होता है, मैं एक महिला हूँ और मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं 3 साल से दिल्ली महिला चला रही हूँ और मैं देखती हूँ कि बड़ा हिम्मत का काम है बाहर आकर निकलना और बोलना कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बहुत हद तक जब पावरफुल लोग सत्ता में बैठे होते हैं, मजबूत से मजबूत आदमी भी, औरत भी चुप हो जाती है ये सोचकर कि ये मेरा करियर ख़त्म ना कर दे, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, इनको फंड्स फेडरेशन ने देना है, इनको अपॉर्चुनिटी फेडरेशन ने देनी है, तो धमका देंगे या डरा देंगे या करियर स्पॉइल कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि फिर उस बात का डर, इंसान सोचता है कि करियर ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत विलेज से उठकर आए, गांव से उठकर आए हैं खिलाड़ी, ऐसी नहीं बने कितनी मेहनत करी है। तो उस तरीके से कभी कभी महिलाएं चुप्पी ले लेती हैं, लेकिन उस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वो तब नहीं बोली, अब बोली तो किसी को अभी कहीं ना कहीं जानबूझ के तंग करने के लिए बोल रही है, ऐसा नहीं है। जब भी महिला बाहर निकले हमें उसका साथ देना चाहिए, और ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, ये देश की शान है, ये देश की खिलाड़ी है, ये आम महिला से भी ऊपर उठकर हैं। तो अगर इन महिलाओं की भी नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री या सरकारें नहीं सुनेंगी, तो फिर किन महिलाओं की सुनेंगे? सड़क पे चलती महिलाओं की तो सरकार भी वैसे भी नहीं सुनती। मैम 48 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक किसी से बात हो पाई है, किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री से कुछ? देखिए प्रयास इन्होंने किया है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते खिलाड़ी की मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जाए, और हम इस बात का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि इनका अपना एक तरीका है जिससे ये अपनी मूवमेंट को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम सॉलिडारिटी के तौर पर इनके साथ खड़े हैं। जिस दिन हमको ये लगेगा कि सरकार इनको बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो आप सड़कों पर देखेंगे कि हम इस मूवमेंट को और बड़ा करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम इनसे बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि इनका जो इंटेंशन है सरकार उसी पर सवाल करके इस मूवमेंट को भी जो है पूरी तरह से क्षति पहुँचा दें।